हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो रखते। जब एक शाह का दामन फैल जाता है तो उसकी पूरी फौज भिखारी बन जाती है, और कोई भी फकीर उसे बख्शीश दे देता है। तुम वहां गई थी पोरस के पास मेरी जिंदगी की भीख मांगने के लिए, और देखो उसका सला, सिर्फ पौरा मुल्क के बाशिंदे ही नहीं बल्कि मेरी खुद की फौज मुझे पोरस से कमजोर समझने लगी, और ये लोग जिनकी नजरें मेरे सामने आज तक नहीं उठी उनकी बाजुएं मुझे रोकने के लिए उठ गई। और इनकी सोच का बीज इनके सहन में तुमने बोया है मलिका हुसैन। अलेक्जेंडर, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई और ना ही ये किस्सा, पर ये सिलसिला दोबारा से नहीं दोहराया जाएगा। ना पोरस के हाथ मुझे धकेलने के लिए उसके कांधों पर रहेंगे, और ना ही मेरे हुक्म के गुलामों के हाथ मुझे रोक पाने के लिए। माफ कर दीजिए शाह, हमने जो भी कुछ किया सिर्फ आपकी जान की अमान के लिए किया। हमें माफ कर दीजिए शाह। किसने कहा कि मैं तुम्हें मौत देने वाला हूं? मैं तो तुमसे वो बाजुएं छीनूंगा जिनमें मुझे रोकने का ताप पैदा हुआ। रहम शाह, हमें माफ कर दीजिए शाह रहम। बस यही बर्दाश्त नहीं होता मुझसे कि अलेक्जेंडर की फौज किसी के भी सामने रहम की भीख मांगे। मलिका, अब आप ही कुछ कीजिए, पहले क्लेटस और अभी फास्टियन। अगर ऐसा हुआ तो गदर मच जाएगा। इस वक्त एक आप ही हैं जिसकी बात अलेक्जेंडर मानेगा, सिर्फ आप ही उसे रोक सकती हैं। गौर से देखो रॉक्सन। अगर वो मेरा बेटा होता तो शायद मैं उसे रोक भी लेती, लेकिन वो जंग में हारा हुआ वो वैशी है जो अपनी हार से तिल मिलाया हुआ है। उसे रोकना मेरे बस में तो क्या, खुद ज़ियूस के बस में भी नहीं। मत समझना है फेस्टियन कि तुम्हें बख्श दिया जाएगा, बस तुम्हारी सजा कुछ और होगी। आपको जो सजा देनी है मुझे मंजूर है शाह, लेकिन फिर भी मेरे लिए आपकी जान से ज्यादा अहम और कुछ नहीं। और अगर जिंदगी ने मुझे फिर कभी इस मुकाम पर ला खड़ा किया तो मैं तब भी वही करूंगा जो मैंने आज किया है। तुम्हारी इसी सोच पर मुझे अफसोस है फेस्टियन। तुमने आज तक मेरे साथ हर जंग लड़ी पर तुम मेरे जंग लड़ने का तरीका नहीं समझ पाए। जंग जज्बातों से नहीं,
इरादों से जीती या लड़ी जाती है। पोरस की मौत के आगे तुम्हारे जज्बात हक है और मैदान जंग से खाली हाथ मुझे लौटना पड़ा। अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसकी सोच छोटी ना बल्कि जिसकी मुट्ठी इतनी बड़ी हो जिसमें पूरा आसमान समा सके। और तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुम मेरे लिए किसी जंग की अगुवाई नहीं करोगे। तुम मेरी जान के लिए लड़ते हो फेस्टियन, पर मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे नाम के लिए जंग लड़े। सेल्यूकस को पैगाम भेजवाया जाए। सेल्यूकस को पैगाम भेजवाया जाए। यहाँ सब लोग जश्न मना रहे हैं हुजूर, और आप हैं कि अपनी शमशीर में धार देने में लगे हैं। आपकी तलवार को तो कोई भी धार दे देगा। आखिर आप हमारी फौज के सिपे सालार जो ठहरे। सिपे सालार हो या सिपाही, सबकी जिंदगी की ढाल उनकी शमशीर होती है, और सेल्यूकस अपनी जिंदगी की ढाल किसी और के हाथों में नहीं सौंपता। आज का दिन बहुत खास है अलेक्जेंडर, बहुत जल्द शिकस्त खाने वाला है। नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। अभी अभी खबर आई है, अलेक्जेंडर की अपनी बीवी उसकी जान की भीख मांगने पोरस के पास गई थी। अब पहले अलेक्जेंडर झुकेगा और फिर कुछ दिन बाद सेल्यूकस को भी यहां से जाना होगा। पारस फिर से आजाद होगा। जब से अलेक्जेंडर ने फारस की जमीन पर कदम रखा है तब से हम सबकी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अपने आप को वो अलेक्जेंडर से कम नहीं समझता, और जब अलेक्जेंडर भारत से हार कर लौटेगा तो हम सेल्यूकस को उसकी औकात दिखाएंगे। मैं खुद सेल्यूकस को फारस की जमीन से ठोकर मारकर निकालूंगा, उस पर थूकूंगा, और
वाजा फरमाया तुमने। ये सच है कि मैं खुद को शाह अलेक्जेंडर से कम नहीं समझता, क्योंकि हूं भी नहीं। जितना वो जालिम है उतना मैं भी। जैसे वो उस शख्स को नहीं बख्शते जो उनके हुक्म की तामील ना करे, ऐसे ही नाफरमानी करने वाले मुझे बर्दाश्त नहीं। हम दोनों खुदा के बेटे हैं, हम दोनों अपने ख्वाब और इरादों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी हो तो ये लो, कोशिश करो और खत्म कर डालो मुझे। वार करो, वार करो। अब समझ में आया कि मैं अपने शमशीर को धार खुद क्यों देता हूं। ये खत मेरे लिए लाए हो ना? तो इसे देने का इरादा है कि नहीं? शाह ने पैगाम भेजा है। कब से बेकरार था मैं उस कोरस से मिलने के लिए, अब मजा आएगा। आज सांझ है पौरव राष्ट्र के एक स्वर्णिम अध्याय की। आज हम श्रद्धांजलि देंगे उस साहस को जिसे अलेक्जेंडर जीते जी याद रखेगा, और इतिहास उसके मरने के बाद। ये वो दीपक है जिसने बुझते बुझते हम सबके भीतर संघर्ष की लौ जला दी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। जीवित रहेंगे आपके प्रयास भारत को फिर से एक करने के। देश के प्रति आपकी भावनाएं जीवित रहेंगे। शत्रुओं से लड़ना तो सरल होता है, किंतु अपनों से लड़ना बहुत कठिन। पर आपका यह चुनाव हमेशा आपको श्रद्धा का पात्र बनाए रखेगा। Thank you.
आपने मुझे संभाला जब मेरे पास परिवार नहीं था। मुझ पर इतना विश्वास किया कि अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी लाची मुझे सौंप दी। अलेक्जेंडर की दृष्टि में भले ही उसने हमारे पूरे दस्युलोक का अंत कर दिया हो, पर आपकी शाखा अब भी जीवित है बाबा। आपकी लाची, विश्वास कीजिए, प्रतिशोध लिया जाएगा। आप निश्चिंत होकर मां के पास जाइए और उसे कहिए कि हताश ना हो। आप दोनों का अधूरा काम आपकी ये बेटी पूरा करेगी। दोनों चिताओं को मुखाग्नि दीजिए महाराज। नहीं राजगुरु जी, दस्युराज की चिता को मुखाग्नि मैं नहीं दूंगा। ये अधिकार किसी और का है, दस्युराज की पुत्री लाची का। कहने आयो कहो, वरना दफा हो जाओ यहां से। सम्राट, जानता हूं जो कुछ हुआ आप उससे प्रसन्न नहीं, किंतु मैं आपके साथ, हम दोनों मिलकर उसे नष्ट कर देंगे। तुम मेरी मदद करोगे जो खुद मैदाने जंग से पीठ दिखाकर भाग जाए, जो खुद अपनी जान ना बचा पाए वो दूसरों की मदद करने के लायक नहीं रहता। वो लड़की पेट से थी, तुम उसे ना हरा पाए और हमारी फतेह का तोहफा लाने की बात करते हो। बेहतर यही होगा कि जितना हुक्म दिया जाए बस उसे बचाना। अपने शहर जाओ। मुझे इस जंग में तक्षशिला का हर वो शख्स चाहिए जिसके हाथों में तलवार उठाने की ताकत हो। उन्हें हुक्म दो, दरख्वास्त करो या उन्हें घर से बांध कर लाओ। मैं नहीं जानता, लेकिन ख्याल रहे अंबे कुमार कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम उसी वक्त अपनी जान से जाओगे, समझे? हम बहुत जल्द मिलेंगे पोरस, और इस बार तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। पौरव राष्ट्र में आपका स्वागत है महात्य। हमारा क्या पता है, किंतु वो है कहां? वन विहार का आनंद लेकर शीघ्र आपसे भेंट करेंगे हमारे सम्राट धनानंद। तक्षशिला और अलेक्जेंडर चाहे मगध धनानंद का इस्तकबाल करते हैं।